एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। आप सबको पता है कि विंटर सीजन चल रही है। विंटर में ना, जो दूसरी सीजन में हम हमारे बालों की या तो जो स्किन की केयर करते हैं ना, उससे डबल केयर करनी पड़ती है विंटर में, क्योंकि विंटर में ना ठंड हवा की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, डैमेज हमारे बालों में बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, स्किन हमारी रूखी हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आप लोगों की जो क्वेरी है ना, वो करंटली मुझे इसी टॉपिक के अराउंड मुझे मिल रही थी। विंटर में क्या होता है कि जो ड्राई और ठंडी हवा चल रही होती है ना, उससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है और लाइफलेस और सूखी दिखने लगती है। ये तो हुई स्किन की बात। अगर मैं हेयर की बात करूं तो हेयर के ऊपर तो उससे डबल इंपैक्ट पड़ता है। हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे झाड़ू जैसे दिखने लगते हैं, स्कैल्प का मॉइस्चर जो है वो कहीं पर उड़ जाता है तो हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है और खास करके डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आपके बालों का टेक्सचर भी खराब हो जाएगा, बाल धीरे धीरे करके टूटने लगेंगे, ब्रेकेज की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा, बाल बहुत ज़्यादा आपको वीक फील होंगे। और ऊपर से आप सबको पता है कि वेडिंग और पार्टीज की सीजन चल रही है, तो ऐसे में हम हेयर टूल्स का यूज़ करेंगे ही, तो जो हमारे बाल ऑलरेडी डैमेज है ना, वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन एंड साथ में विंटर हेयर केयर रूटीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल में गिव अवे चल रहा है। अगर आप न्यू हो तो आपको शायद पता नहीं होगा, जस्ट आपको पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो में लाइक करना है और कमेंट करनी है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और साथ में हैशटैग गिव अवे 18 और हैशटैग पार्टिसिपेट लिखना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो गाइस, आई लव एलोवेरा, वन ऑफ माय फेवरेट नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ना सिर्फ ये स्किन को, प्लस हेयर को ये हाइड्रेट करता है, हील करता है, रिपेयर करता है, नरिश करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो एक सिंपल सा मैं आपको सबसे पहले फेस पैक बताऊंगी। अगर आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा डैमेज फील हो रही है ना, तो आप ये सिंपल सा फेस पैक ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है कि नेचुरल एलोवेरा लेना है तकरीबन 2 चम्मच जितना, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इक्वल क्वांटिटी में आपको मिल्क डालना है। अच्छे से इसको इसका मिक्सचर बना लीजिए। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है। समटाइम्स अगर आप चम्मच से ही मिक्स करोगे तो जो नेचुरल एलोवेरा है और जो मिल्क है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जैसे कंसिस्टेंसी, वो आपको पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। एलोवेरा आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, हील करता है, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है। साथ में अगर आपकी स्किन में आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन आपको लूज फील हो रही है ना, तो ये एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन में फर्मनेस को इंक्रीज करके आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, स्किन का ग्लो इंक्रीज करता है, और जो मिल्क है वो आपकी स्किन को डीपली साफ करके धूल मिट्टी को निकाल कर आपकी स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है। 10 मिनट्स के बाद आपको जस्ट सिंपल पानी से आपका चेहरा धो लेना है। तो यहाँ पर हमने विंटर स्किन केयर तो कर लिया, अब बारी आती कि विंटर में मेरे हेयर की केयर कैसे करती हूँ। देखो गाइस, मैं ऐसा हेयर ऑयल यूज़ करना प्रिफर करती हूँ जिसके अंदर एलोवेरा तो हो ही, साथ में और अदर गुड और रिच इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन हो, गुडनेस हो, जो डीपली मेरे बालों को नरिश करने में और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करे। देखो, स्ट्रेस के चलते हेयर टूल्स का यूज़ करने से या तो कोई अदर रीज़न से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए ना, ट्रस्ट मी, आपको भी ये हेयर ऑयल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है ना, मेरे लिए तो होली ग्रेल प्रोडक्ट बन चुकी है। बहुत ही अच्छे से इसने मेरे डैमेज बालों को रिपेयर करने में मेरी हेल्प की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, इन केस अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये है हेयर एंड केयर ट्रिपल ब्लेंड डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल। अब नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा, ट्रिपल ब्लेंड यानी जो 3 रिच और इफेक्टिव इन्ग्रीडियंट है ना, उसका कॉम्बिनेशन, वो 3 जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा, ऑलिव ऑयल एंड ग्रीन टी। दिस इज माय गो टू हेयर ऑयल फॉर डैमेज हेयर। मैं वीक में एक बार चंपी करती हूँ, राइट? तो मेरी जो वीकली जो चंपी रूटीन है ना, आई थिंक वो इसके बिना तो इनकम्प्लीट है। तो मैं ये हेयर ऑयल को कैसे यूज़ करती हूँ, हल्का डबल बॉयलर प्रोसेस की मदद से हल्का गुनगुना कर लेती हूँ, उसके बाद स्कैल्प में धीरे धीरे करके स्लोली मसाज करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी टेक्सचर का है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी हेयर ऑयल पसंद नहीं ना, तो आई थिंक आपको ये हेयर एंड केयर का ट्रिपल ब्लेंड वाला हेयर ऑयल काफ़ी पसंद आएगा। इसकी स्मेल अमेजिंग है, बहुत ही जल्दी से ये हमारे स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इसके अंदर जो ऑलिव ऑयल यूज़ किया गया ना, वो डीपली हमारे स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होता है, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है, हमारे बालों में मॉइस्चर लॉक करने के लिए काफ़ी हमें हेल्प करता है। तो एलोवेरा ना बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बालों को डीपली नरिश करता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो हमारे बालों को
डैमेज बालों को रिपेयर करने में हेल्प करती है। साथ में इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाने से आपकी हेयर ग्रोथ की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और हेयर फॉल आपका धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि स्लोली स्लोली 5 to 7 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करती हूँ, ताकि मसाज करने से ये जो हेयर ऑयल है वो हमारे स्कैल्प में बहुत ही अच्छे तरीके से पेनेट्रेट हो जाता है और इसकी गुडनेस हमारे बालों को मिलती है। और 1 या 2 घंटे के लिए रखती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब जैसे ही आप हेयर वॉश करोगे ना, आपको आपके बाल काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी फील होंगे। आपके बाल आपको काफ़ी हेल्दी लगेंगे। अब विंटर में अगर आपको ड्राइनेस, रफ बाल, स्प्लिट एंड्स या तो हेयर टूल्स यूज करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए ना, तो ये उसको भी 100% ठीक करता है। इतना ही नहीं, 1 या 2 बार में आपका जो हेयर फॉल है ना वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। अगर आपके बाल थिक, थिन, कर्ली, स्ट्रेट, कोई भी टेक्सचर के ना, ये सबको सूटेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। गाइस, इसकी प्राइस बताओ कितनी है? जस्ट 263 रुपीज़ फॉर 500 ml। मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको आपके बाल ना बहुत ज़्यादा डैमेज्ड फील हो रहे हैं, आपको उसे डीपली रिपेयर करना है, तो आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से आपके लिए बाय कर सकते हो। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका पर ईजिली अवेलेबल है। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू सो मच।